कौशल्या और रघुबीर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी सभी टीचर्स की बहुत ज्यादा प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है, हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुबीर बोले, हाँ कौशल्या, सही कहती हो, सविता कितनी सुंदर और सरगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ बाबू जी की बातें सुन ली और वे पास आकर बोली, बाबू जी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी पर निर्भर रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुबीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगे। सविता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? परेश सविता से पूछता है। सविता कहती है, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ, क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? इस पर प्रवेश कहता है, सविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। सविता आगे से जवाब देते हुए कहती है, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़े भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। सविता के सास कहती है, रमा बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी खराब ना हो जाए। परेश आगे से कहता है, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कहूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें परेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, परेश मर चुका है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, उठो परवेश, आंखें खोलो, मैं अकेली किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। अरे ये क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी है तुमने? माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। नहीं बेटी, तुम हमारे दुख और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने तो यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुबीर सविता को लेने के लिए आए। मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसके लिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारी बहू बेटी बनकर हमारे पास रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगा लिया। हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है, हम सविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे, आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। माँ बाबूजी, परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊँ ये सही नहीं, मैं इनके पास ही रहकर इनकी सेवा करूंगी। सविता की माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सविता अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा लिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता।
गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीम स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं। तो दूसरी बोली, बन सवेर कर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सविता को किसी के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वो तड़प उठती और रोने लगती। सविता ने अपनी मेहनत से बीए कर ली और विकलांग कोटे में वे शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। सुनो परेश के पापा, हमारी सविता अब एक टीचर बन गई है, लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कह रही हो रमा, विधवा है अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधे बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की तो तब लोग कहते हैं, अरे मुकेश तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू। हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आ करके कहा, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। गौरव तुम? हाँ मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगी, मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आ करके सविता से कहता है, सविता बेटी तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के अधूरे सपने को मैं पूरा करूँ। तुम्हारी शादी मैं गौरव से करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? पिताजी परेश की जगह शायद ही मैं किसी और को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, आपका फैसला मेरी सराखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों इस कहानी ने आपके दिल को तो ज़रूर छुआ होगा कि जहाँ एक तरफ समाज में हमारे बात चलती है कि सास ससुर बहुत बुरे होते हैं और वहीं सास ससुर की ये प्रेरणादायक कहानी सबके दिल को बदल कर रख देगी, सबकी सोच को बदल कर रख देगी। इंसान किरदार कोई भी बुरा नहीं होता, बस उसकी सोच बुरी होती है, लेकिन जब उसको हम थोड़ा सा सही कर लें तो सारे रिश्ते खूबसूरत लगने लगते हैं। और बस आप सबसे यही गुजारिश है कि आप भी जिस रिश्ते में बंधे हैं, चाहे बेटी के, बहू के या फिर बेटे के, हर रिश्ता बखूबी निभाएं। जब इस दुनिया से जाएं तो हर किसी को आपके जाने का दुख हो, ना कि आपके जाने की खुशी। आशा करती हूँ आपको अपनी ईशा की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। ऐसी ही कुछ प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।